ચીનનો કોરોના વાયરસ હોંગકોંગ સુધી પસરી જતા માર્ચ બે હજાર વીસમાં યોજાનાર હોંગકોંગ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એક્ઝિબિશનને રદ કરી મે માસમાં યોજાશે તેવું હંગામી ધોરણે નક્કી થયું છે જેથી શો માટે તૈયાર થયેલી સ્પેશિયલ જ્વેલરીઝ અને ગોલ્ડ ડાયમંડની વસ્તુઓનું એક્સપોર્ટ અટકી ગયું છે કોરોના કહેર ચીન ના બુહાર સહિત હોંગકોંગ સુધી પસરી ગયો છે જેના કારણે માર્ચ બે માં યોજાનાર હોંગકોંગ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એક્ઝિબિશન ને રદ કરી મે માસ માં આયોજન કરવાનો હંગામી ધોરણે નિર્ણય કરાયો છે જેના કારણે આ સો માટે તૈયાર થયેલી સ્પેશિયલ જ્વેલરી અને ગોલ્ડ ડાયમંડની વસ્તુઓનું એક્સપોર્ટ અટકી ગયું છે જેમાં રૂપિયા બે પોઈન્ટ દસ કરોડનો ત્રાવીસ કેરેટ ગોલ્ડનો પાંચ કિલોના સોનાનો સિક્કો ઉપરાંત વિવિધ ફેન્સી વસ્તુઓ જેવી કે ચશ્મા બોલબેટ વગેરેનું એક્સપોર્ટ પણ અટક્યું છે સુરતના જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરે જણાવ્યું હતું કે રાજકોટ પછી સુરત ડાયમંડ ગોલ્ડ જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગનું હબ બની ગયું છે

ऐसे हम देखें तो विदेश आधारित इंडस्ट्री है हम 100 परसेंट रफ डायमंड इंपोर्ट करके पॉलिशिंग करके 95 परसेंट जितना हमारा एक्सपोर्ट रहता है आज की तारीख में दुनिया के अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के हिसाब से हम हमेरा एक्सपोर्ट है आज हांगकॉन्ग के अंदर हमेरा 37 परसेंट एक्सपोर्ट है और चाइना के अंदर हमारा फोर परसेंट एक्सपोर्ट है दोनों मिला के फोर्टी वन परसेंट जैसा हमारा एक्सपोर्ट एक दो कंट्री में हो रहा है चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस का अभी भय फैला हुआ है उसके कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल कई कंट्रियों ने कर दी है कई ऐसी भी कंट्री है कि लोगों ने आवन जवन पर प्रतिबंध लगा दिया है आज हॉन्गकॉन्ग के अंदर भी हमारा थर्टी पर, सेवन परसेंट जो एक्सपोर्ट है वहाँ भी जो तीन चार मार्च से आठ मार्च जो शो ज्वेलरी शो होने जा रहा था ये शो के आधार पे अगले साल में कौन सी डायमंड ज्वेलरी चलेगी कौन सी प्रकार का डायमंड चलेगा क्या प्योरिटी का चलेगा कौन सी साइज चलेगी वो तय होता है और उसके आधार पे पूरे सालाना का ऑर्डर मिलता है लेकिन ये एग्जीबिशन कैंसिल होने के कारण आज की तारीख में हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पिस्तालीस हजार करोड़ का एक्सपोर्ट ये दो कंट्री के अंदर है आज एवरेज हम देखें तो दो महीने के इफेक्टेड कम से कम सात से आठ करोड़ का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे शायद असर दिखेगी और वहाँ जो हमारे भारतीय लोग कारोबार कर रहे हैं कहीं सालों से कम से कम 500 सौ से छ सौ ऑफिस का बिजनेस कर रहे हैं वो सब लोग वापस धीरे धीरे आ रहे हैं भारत सरकार ने भी तीन दिन पहले अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को हांगकॉन्ग के साथ कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया है तो ऐसा माहौल के अंदर वहां कोई रहना भी नहीं चाहेगा और जो एग्जीबिशन में पूरे वर्ल्ड में से जो बायर्स आते हैं वो भी अभी वहाँ कैंसिल होने के कारण जो हमारे भारतीय उद्योग को पॉलिशिंग डायमंड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत झटका लगने वाला है कैमरा मैन मुकेश गुरजल पटेल दिव्यांग न्यूज सूरत